तो अभी तक हम हमारा जर्नी करते करते देखो कहाँ तक पहुंचे हैं। हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी मतलब हमें लीनियर मोशन पता है, तो लीनियर के सिमिलर हमारे पास रोटेशनल में क्या है। ठीक है, तो हमारी शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत हुई हमारी हमारी शुरुआत हुई लीनियर में। हमारी होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में लीनियर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी। हम लगे तो इनके बीच का रिलेशन भी इधर लिख लेते हैं। ठीक है, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एस इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। ठीक है, देन हमारे पास आया एक्सीलरेशन। यहाँ पर हमारे पास है एंगुलर एक्सीलरेशन रिलेशन है अल्फा क्रॉस आर। फिर लीनियर में हमारे लिए है लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। हमारे पास यहाँ पर है फोर्स, यहाँ पर है टॉर्क। तो टॉर्क का रिलेशन है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सिमिलरली हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा? जैसे फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डीटी रहेगा, वैसे टॉर्क टीएल बाई डीटी रहेगा। यहां पर एंगुलर मोमेंट लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कब? जब फोर्स जीरो रहेगा या टॉर्क जीरो रहेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्सटर्नल टॉर्क जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? सो देखो, फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव स्टडीड स्टडीड इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो कुछ हमने पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी हमें मिल रही है। सही है? हाँ सही है, तो बिल्कुल सही है। अब देखो एक चीज और लिख सकते हैं शायद से, इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिखते हैं समेशन ऑफ एफ तो जीरो होना चाहिए, बट साथ ही साथ समेशन ऑफ टॉर्क शुड ऑल्सो बी जीरो। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स टॉर्क जनरेट करता है। सो कुछ एकाधी क्वांटिटी बाकी है क्या जो बड़ी बेसिक है और जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है? इनर्शिया, क्या होता है ये? रेजिस्ट टू चेंज, मतलब वो जो एक आधी बॉडी अगर कंटिन्यूअस मोशन कर रही है तो अगर हमें उसे रुकाना है तो वो रेजिस्ट करती है उसकी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। तो इज इट फिजिकल क्वांटिटी? हाँ यस, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है या इट इज प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी? कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, इट इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी ना टू रेजिस्ट चेंज, इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हाँ, बट ये जरूर है कि देयर इज सम फिजिकल क्वांटिटी जिसके थ्रू हमें बॉडी की इनर्शिया के बारे में आइडिया आती है। सो लाइक स्टॉपिंग अ चीटी इज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू स्टॉपिंग अ मूविंग ट्रक। ठीक है, स्टॉपिंग अ बुलेट इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू कैचिंग अ बॉल। ठीक है, सो देयर इज क्वांटिटी कॉल्ड एज मास जो हमें लिनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में इस इनर्शिया की आइडिया देती है। मास हमारे बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। जैसे फोर्स को हम मास इनटू एक्सीलरेशन कह सकते हैं, वैसे यहाँ पर टॉर्क को क्या कह सकते हैं हम? मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी कह सकते हैं, वैसे यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम को हम कुछ कह सकते हैं क्या?
ये ऑब्वियस सवाल, अगर इस एनालॉजी को अगर अपन डिटेल में सोचेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि बिल्कुल सही है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल सिस्टम। जैसे लिनियर मोशन में मास होता है, वैसा रोटेशनल मोशन में कौन रहेगा? ठीक है, सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ जाएगा। What is the analog of mass in rotational motion? ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो सभी प्रॉपर्टीज देखी, जो सभी चीजों को समझने की कोशिश की, तो हमें वहां से कुछ आइडिया आई है, बट अभी तक हमने एनर्जी पर उस वो सभी डिस्कशन में कहीं तो मास नहीं आया है। समहाउ मास की हमें जरूरत नहीं पड़ी, मास हमारे डिस्कशन में नहीं आया। तो और कोई क्वांटिटी है क्या बॉडी के साथ एसोसिएटेड, रोटेशन मूविंग बॉडीज के साथ एसोसिएटेड, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल बॉडीज के साथ एसोसिएटेड, कि जिसके थ्रू हमें इसकी आइडिया आएगी? तो यस, देयर इज क्वांटिटी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते, देखो अगर कोई एक रोटेटिंग बॉडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी कि क्या रहती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वेयर। अब सर ये बॉडी है तो यहाँ पर मल्टीपल मासेस रहेंगे जिनका अलग अलग डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ठीक है हम एक आयत पार्टिकल की एनर्जी लिखते हैं विच इज एम आई इंटू वी आई। सर आपने क्या लिखा है? मैं कह रहा हूं ये हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस बॉडी में देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, हम कोई तो दो तीन के बारे में बात करेंगे, इसका मास रहेगा m1, m2, m3, r1, r2, r3, रिजिड बॉडी है। सो जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m1 की होगी उतनी ही m2 की होगी, उतनी ही m3 की होगी। सो हम कहते हैं ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो ऑब्वियसली ओमेगा की डायरेक्शन ये रहने वाली है, ठीक है, और सभी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम विल बी सेम, ठीक है। बट अब हमें पता है कि देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड इस पार्टिकल की लिनियर वेलोसिटी। सर आपने लिनियर वेलोसिटी को एकदम से कहां से लाया? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में लिनियर वेलोसिटी इन्वॉल्व है, और ये रिलेशन अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा हाफ एम आई वी आई के जगह लिख सकता हूं मैं, मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ आयत पार्टिकल इज ओमेगा आई इनटू आर आई, मैग्नीट्यूड ही कह रहा हूं बिकॉज एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो ये बन जाएगा ओमेगा आई का स्क्वायर इनटू आर आई का स्क्वायर। तो इस रिलेशन के जरा ठीक से देखो, दिस इज हाफ एम आई इन टू वी आई का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आई इन टू आर आई का स्क्वायर इन टू ओमेगा आई का स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी होगी, तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगी ऐसे सभी काइनेटिक एनर्जी की एडिशन,
विच इज बेसिकली ऐसे सभी के एडिशन. अब हाफ तो कांस्टेंट रहेगा तो हाफ को बाहर लिखेंगे, एम आई इंटू आर आई का स्क्वेयर इंटू ओमेगा आई का स्क्वेयर. अब ओमेगा सभी के लिए सेम है तो ओमेगा बाहर आ सकता है, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी हाफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वेयर. आई की वैल्यू चेंज हो रही है 1 to n. सही है क्या? अब देखो लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम वी स्क्वेयर थी, ठीक है. अब यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है इट इज हाफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू ये कुछ तो है. अब हमने कहा है लीनियर मोशन में जैसे वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर में रोटेशनल में ओमेगा है, बिल्कुल सही है. सो एनर्जी के केस में यहां पर एक मास इन्वॉल्व है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वेयर. यहां पर हो जाएगा हाफ ये कुछ तो इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वेयर. अब हाफ तो कांस्टेंट है वो एक दूसरे के जैसे है, सो दिस हाफ तो के करस्पॉन्डिंग एनालॉगस यहां पर हाफ है वो कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वेयर है, यहां पर लीनियर वेलोसिटी है उसका स्क्वेयर है. सो मतलब जिस प्रकार से हमारा मास बिहेव करता है लीनियर मोशन में ट्रांसलेशन मोशन में क्या वैसा ही ये पैरामीटर बिहेव करता है क्या? समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वेयर, बिल्कुल सही है. हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कैपिटल आई से जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सही, इसे इनर्शिया क्यों नाम दिया? फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स. इनर्शिया का मेजर मास है इसलिए उसके एनालॉगस प्रॉपर्टी को कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. इन ट्रांसलेशन मोशन मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, आपको पता है मास अगर ज्यादा है तो बॉडी को मूव करने के लिए उसकी टेंडेंसी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेंगे. सो दैट इज जिसका मास ज्यादा है वो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा. एक टू व्हीलर को मूव करना जगह से कंपेरेटिवली ट्रक को मूव करना, ट्रक का मास ज्यादा है उसे मूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेंगे, ठीक है. सो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया तो उसका रोटेशनल एनालॉग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जैसे यहां पर मास बिहेव करता है लिनियर मोशन में ट्रांसलेशन मोशन में वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये क्वांटिटी बिहेव करेगी जिसको हमने आई नाम से जाना है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव करेगा, ठीक है. इसलिए हम रोटेशनल हम मास का एनालॉग इन रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय कैपिटल आई और इसे हम लिखते हैं समेशन ऑफ एम आई एन टू आर आई का स्क्वेयर, वेयर आई वन से लेकर एन तक बॉडी में जितने पार्टिकल है वहां वन से लेकर एन तक जाएगा. एंड अगर ऐसा है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर. देखो हाँ एक चीज ध्यान में रखो, ये बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है सो इसकी ट्रांसलेशन मोशन हो रही है क्या?
क्या इसकी ट्रांसलेशन मोशन हो रही है एक पॉइंट से लेकर सभी पार्टिकल दूसरे जगह पर जा रहे हैं क्या पैरेलल टू इच अदर? नहीं, एज अ नो सर। हाँ मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जगह पर रहेगा, बॉडी अपने जगह पर ही है, सिर्फ वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, वो पूरी की पूरी आगे नहीं जा रही है। इट इज जस्ट लाइक कोई क्रिकेटर अपने हाथ में बॉल घुमा रहा है, उसने बॉल को रोटेशन देकर फेंका नहीं है। अगर रोटेशन देकर बॉल को फेंका, बॉलिंग कर रहा है वो, तो फिर रोटेशनल एंड आगे जाने वाली ट्रांसलेशन मोशन साथ में होगी। राइट नाउ इट इज जस्ट वो अपने हाथ में बॉल को गोल 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 घुमा रहा है। वो फिजेट आता है ना, पता है क्या आपको क्या होता है वो? स्पिनर स्पिनर स्पिनर, हाँ फिजेट स्पिनर। ये इस प्रकार से वो लोग बच्चों के पास रहता है, इसको वो घुमाते हैं। तो इसकी कौन सी मोशन होती है? इसकी सिर्फ रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती है। ट्रांसलेशन कब होगी? जब आप इसे घुमाकर आप वो मोगली जैसा फेंक दोगे। क्या होता है जो वापस आता है मोगली के पास? ओके ठीक है, ठीक है, ध्यान में आया क्या? यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे इन रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays a similar role as mass does in linear motion. Linear motion में जैसा mass काम करता है वैसा ही rotational motion में moment of inertia काम करता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो देखो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ चीजें अपन लिखते हैं। क्या कहा है? हमने कहा एज द मास ऑफ ए बॉडी रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लिनियर मोशन इट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया इन लिनियर मोशन। सिमिलरली एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया About a given axis of rotation resists change in its rotational motion, it can be regarded as measure of rotational inertia of the body. So देखो जब हम linear motion में inertia के बारे में बात कर रहे थे हमने सिर्फ mass के बारे में बात की, but when we are talking about moment of inertia about a given axis of rotation, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अकेला नहीं रहता है, इसके साथ ये वर्ड आया है अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर ऐसा क्यों? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सिंपल बॉडी कंसीडर करते हैं, बिल्कुल एक थिन रॉड है और इसके दो एंड पर हमने दो हेवी बॉल्स लगा दिए। हर बॉल का मास एम है और ये रेजिस्ट ये लेंथ रहेगी 2R, ये लेंथ है 2R, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब देखो ये बॉडी आप इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो,
इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो, एक्सिस की पोजीशन चेंज हो सकती है ना। हाँ, यहाँ बीच में पकड़कर घुमाएंगे, एन को पकड़कर घुमाएंगे, या किसी के मन में आया तो वो कहेगा यार मैं इसको ऐसा भी तो घुमा सकता हूँ। सो अब देखो, इनको नंबर दे देंगे, क्या एक्सिस चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा? आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर। अभी दो ही ऑब्जेक्ट, दो ही मासेस है, तो ये रहेगा एम वन आर वन का स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू का स्क्वेयर। सर ये आर क्या है? आर कहाँ से आया, कहाँ से आया था आर? सर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। हाँ, रेडियस, रेडियस थी ना। सो बेसिकली ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है तो ये फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस। तो देखो कंडीशन वन में क्या रहेगा, कंडीशन वन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम वन, एम कितना डिस्टेंस है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से? जीरो, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है। एम टू उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? टू आर। कितना आ जाएगा ये? फोर एम आर स्क्वेयर। ओके सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन टू के बारे में देखो तो जरा, इसे आई टू कहेंगे, इसे आई वन कहेंगे। एम वन कहां पर सिचुएटेड है? यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर। अगर मैं इसे माइनस आर कहता हूं तो माइनस आर का स्क्वायर, इसे ओरिजिन माना तो यहां से लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव। दूसरा मास कहां पर सिचुएटेड है? वहां से भी आर डिस्टेंस पर। कितना आ जाएगा ये? टू एम आर स्क्वायर। तीसरी केस देखो तो जरा, आई थ्री एम वन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास वन का डिस्टेंस कितना है? सर ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा है, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा है, तो मतलब जीरो। दूसरा मास सर ये भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बैठा है, बिल्कुल सही है, तो ये तो जीरो आ जाएगा। क्यों बताया ये सब, क्यों किया ये एक्सरसाइज का पर्पस क्या था, ये सब हमने क्यों किया? बिकॉज इनर्शिया ये एक्सिस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, सिर्फ अकेला मास लेकर अपना काम नहीं होगा, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर जानना है तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ मास वहां पर, बाकी कुछ किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जब हम बात करेंगे तब हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत रहेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ओके सर, ठीक है। अब देखो और दो चीजें समझ लेते हैं फिर आगे जाते हैं। सो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक थीन रिंग का, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर एंड मास है कैपिटल एम, ठीक है। और ये किस प्रकार से रोटेट हो रही है?
तो रोटेटिंग अबाउट अ एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग अ थिन रिंग और इसको परपेंडिकुलर प्लेन में ये रोटेट हो रही है. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा. अगर ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ओमेगा, तो आप कह सकते हो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी. कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी, जहां पर एम इसका मास है, वी वेलोसिटी रहेगी. ठीक है, बट देखो अगर मैं हर पार्टिकल के बारे में बात करता हूं तो इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर. रिजिड है तो ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा, सबका डिस्टेंस भी सेम है. तो क्या मैं यहां पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकता हूं? आंसर बिल्कुल सही लिख सकते हो. ठीक है, ऐसा क्यों किया? बिकॉज एवरी मास, ईच मास एलिमेंट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर. ठीक है, सो ये बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वेयर, इसकी रेडियस छोटा आर नहीं कैपिटल आर है, इंटू ओमेगा स्क्वेयर. मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इसको कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ आई ओमेगा स्क्वेयर, तो आप कहोगे इस रिंग का मास एम, जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है आर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा एम आर स्क्वेयर. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही. अगर ऐसी कोई दूसरी सिस्टम होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, उसका तरीका यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, यही हमने किया. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ठीक है, आइदर ये रास्ता है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, या दूसरा रास्ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर. ठीक है, सो इस रास्ते के थ्रू हम जा सकते हैं. सर अब हमेशा क्या लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे क्या? क्या उनका डिस्टेंस है इस प्रकार से सबका कुछ सिमेट्रिकल रहेगा क्या? नहीं है. पार्टिकल्स बढ़ गए तो अपन क्या करते हैं? कम पार्टिकल है तो इस प्रकार से सिंपल सिंपली करेंगे. अगर पार्टिकल्स बढ़ गए तो अपन क्या करते हैं? क्या तरीका है कैलकुलेट करने का? इंटीग्रेशन. बहुत बढ़िया, सबको लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे. बिल्कुल सही है. तो नेक्स्ट क्लास में, आने वाले एक दो क्लासेस में, हम उसके बारे में बात करेंगे.